अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। दिस इज़ वकार फ्रॉम कैमरे इंटरनेशनल साइंस कॉलेज अड़तालागा। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लास रूम ट्रेनिंग। इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए या दूसरी टीचर की तरफ से डिलीवर किए गए जो टेक्स्ट के पोर्शन के रिलेटेड थे वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे एंड यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। वन वॉज related to subject and the other was related to verb. So right now in this lecture you can learn about the third part of a subject which is known as the name of a object, an object जो कि object के नाम से क्या है जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, टिल एट द एंड तक आप वॉच करोगे और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करोगे। हम पिछले लेक्चर के अंदर वर्ब के ऊपर बात कर रहे थे एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट वट इज़ द इंट्रो ऑफ द वट वॉज द इंट्रो ऑफ द वर्ब, होता क्या है, उसकी तारीफ क्या है। मैंने बताया था कि वर्ब को हम दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन, एक्शन, जो चीज़ एक्शन होती है उसको हम वर्ब कहते हैं और जो स्टेट को जाहिर करे, यानी सब्जेक्ट के स्टेट को, यानी वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और द स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, एक एक्शन को जाहिर करता है वर्ब या स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट को जाहिर करता है। और मैंने फिर आपको उसकी एग्जांपल्स दी थी और साथ मैंने उसके टाइप्स के ऊपर बात की। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर टूडेज टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये तीसरा हिस्सा होता है और ये जो तीन हिस्से हैं ये इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ तीन ही है, लेकिन आपके लेवल के लिए तीन काफ़ी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, बट दीज आर द थ्री मेजर पार्ट्स, ये तीन बहुत बड़े हिस्से हैं जिनके बारे में वी हैव बीन डिस्कसिंग वन बाय वन। हम एक एक करके इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फॉर टू और थ्री डेज हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ नाउन एज एन ऑब्जेक्ट एंड इन मैनी केसेस स्टूडेंट्स मिसलीड दिस कॉन्सेप्ट, उसको समझ नहीं पाते कि ऑब्जेक्ट है क्या, बाज़ का पता ही नहीं चलता। एक जुमले में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बात मैं आपको क्लियर करूँगा कि कैसे दो ऑब्जेक्ट हैं उनको कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। सो राइट नाउ यू कैन लुक हियर, ऑब्जेक्ट इज़ द वन, ऑब्जेक्ट वो होता है विच होम गेट्स अफेक्टेड, जो असर लेता है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, असर होता है किसका, बाय द एक्शन, अमल का और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की हालत का, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी चीज़ की हालत का या किसी चीज़ के क्या होता है, एक्शन का असर होता है। ये आप एग्जांपल देखें, पेन इज़ ऑन द टेबल, अब इस एक्शन से इस हालत से कौन अफेक्ट हो रहा है, टेबल, सो दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी इसका ताल्लुक किसके साथ है, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट है ना ये, तो ये किसके साथ रिलेट कर रही है, को रिलेट कर रही है, इससे अफेक्ट कौन हो रहा है, टेबल, आई किल द लाइन, ये अमल किधर जा रहा है, किस चीज़ को मारा गया, लाइन को, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम डूइंग होमवर्क, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने जो होमवर्क मिला है स्कूल से वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डूइंग ये एक्शन है, विच वन इज अफेक्टिंग, अफेक्टिंग कौन अफेक्ट हो रहा है, ये वाली चीज़ होमवर्क, तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट से अफेक्ट हो या एक्शन से अफेक्ट हो, इन दोनों जुमलों के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन से अफेक्ट हो रहा है एंड इन दिस फर्स्ट एग्जांपल टेबल जो है वो हालत से यानी स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट से। तो अब बात आपके सामने क्लियर आ गई, ये बात क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो अफेक्टेड होता है, ऑब्जेक्ट इज़ द वन विच आर होम अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, बाय द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट आर द एक्शन, या किससे होता है, एक्शन से होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट।
जी डियर स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये कॉन्सेप्ट इट हैज़ बीन क्लियर राइट नाउ इन दिस लेक्चर। अब मैं इसको इरेज करके ना कुछ यहाँ पे एग्जांपल लूँगा जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उससे रिलेटेड इसी जगह पे। अच्छा जी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने वर्ब्स को पढ़ा, काइंड को पढ़ा, सब्जेक्ट की काइंड्स को पढ़ा, सेम लाइक दोज कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट आर टर्म ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नंबर टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ही इसकी टाइप्स हैं, नंबर वन डायरेक्ट एंड नंबर टू, हेयर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एग्जांपल्स। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर, वो एक्शन को क्या करता है, डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, इसलिए वो सॉरी इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं एक्शन को, डायरेक्ट उसका ताल्लुक एक्शन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हिट अ बॉल। देखिए यहां पे एक्शन को डायरेक्ट कौन रिसीव कर रहा है, बॉल, हिट किसको लगी है, बॉल को। सो हेयर बॉल इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, ये सारी एग्जाम्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अली किल्ड अ लायन, अली किल्ड अ लायन। अब देखिए किल्ड डायरेक्ट किसके साथ है, लाइन के साथ। इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, किल्ड यानी मारने वाले एक्शन को लाइन रिसीव कर रहा है, सो इट इज आल्सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज माय फ्रेंड, ये इसका ताल्लुक किसके साथ है? कौन वो क्या लगता है, दोस्त है, फ्रेंड, तो ये डायरेक्ट ताल्लुक इसके साथ कायम कर रहा है, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस बात को एक्सप्लेन करता है कि रिसीवर जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो टेक अ स्क्रीन शॉट, एग्जाम्पल का स्क्रीन शॉट बहुत अहम है। जी ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं इनडायरेक्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है बट यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू फोकस ऑन इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब एग्जांपल हम इसके लेंगे, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज द पर्सन आर थिंग, ये लोगों को या चीजों को आइडेंटिफाई करता है कि एक्शन कैसे परफॉर्म किया गया, ये आंसर देता है कि एक्शन किस से रिलेट करके परफॉर्म किया गया। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाए। माय फादर बॉट मी अ पेन, यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, देख लें, माय फादर बॉट मी अ पेन, मेरे वालिद ने मुझे क्या दिया, पेन लेके दिया। तो यहां जो मी है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वाई, और यहां पे जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं भी आपको क्लियर करता हूं, ये देखें बाट का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है, पेन के साथ है, खरीदारी किसकी की जा रही है, पेन की, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बीच में देखिए मी क्यों इनडायरेक्ट है, कि क्वेश्चन हो रहा है कि भाई किसको खरीद के दिया है? मैंने यहाँ पे देखा है ना थिंग फॉर हुम व्हाट द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म, किसके लिए एक्शन परफॉर्म किया गया है, तो पेन के लिए एक्शन परफॉर्म नहीं किया गया, किसके लिए किया गया, मेरे लिए किया गया। बात को समझें, फिर दोबारा क्लियर करता हूँ।
द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई द पर्सन या चीज या शख्स होता है. द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म, जिसके लिए एक्शन किया गया हो. अब ये बाट वाला एक्शन पेन के लिए किया गया या मी के लिए? मी के लिए. बाट किसको किया जा रहा है? पेन को. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि बाट का तल्लक डायरेक्ट इसके साथ है. और ये पेन किस लिए लिया गया? किसके लिए? मी के लिए. तो वो क्या है? इनडायरेक्ट है. नेक्स्ट. ही टोल्ड, ही टोल्ड नदीम स्टोरी. उसने नदीम को कहानी बताई. अब टोल्ड का ताल्लुक किसके साथ है? स्टोरी के साथ है. वो देखे ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. एक्शन कौन ले रहा है? स्टोरी ले रही है. तो स्टोरी क्या बन गया यहां पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. स्टोरी किसको बताई जा रही है? वहां पे देखिए, हुम व्हाट क्वेश्चन हो रहा है कि किसको बताई जा रही है स्टोरी. तो किसको बताई जा रही है? नदीम को ना. एक्शन किसके लिए परफॉर्म्ड हो रहा है बताने वाला स्टोरी का? नदीम के लिए. तो नदीम इज एन इनडायरेक्ट. कोशिश करेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. अगर ना समझ आए मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करके अच्छे तरीके से एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा. इसका एक स्क्रीनशॉट ले. जी डी स्टूडेंट स्क्रीन शॉट ले चुके हैं. सो डी स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आपका क्या क्लियर है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली तीन पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो अफेक्ट होता है स्टेट से या एक्शन से, जो अफेक्टेड होता है. ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल, इसका ताल्लुक टेबल के साथ है, टेबल अफेक्ट हुआ है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट का ताल्लुक प्लेइंग के साथ है. तो क्रिकेट और टेबल आर टेकन एज एन ऑब्जेक्ट. सो आगे हम जब बढ़ते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट रिसीवर होता है, यानी एक्शन का डायरेक्ट तल्लक जिस वर्ड के साथ होगा वो ऑब्जेक्ट होगा. और फिर बाज का तो एक्शन किसके लिए किया गया है वो बीच में जब मौजूद होगा तो वो क्या होगा? समटाइम दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं एक जुमले के अंदर. यानी ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड नदीम अ स्टोरी. अब नदीम भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है. बट स्टोरी इज टेकन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर वन इज टेकन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझा होगा. इसको बेहतर तरीके से अपने अजहान और अपने दिल में बसाने की, बिठाने की, समझने की कोशिश की होगी. मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और अपने नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करोगे. मौसम बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, घर में रहने की कोशिश करें, अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें. शुक्रिया, बाय, अल्लाह हाफिज़.